Nuba the Storyteller is back, and I've got another folk tale for you today as part of a story a day for the 21-day lockdown that we are at. Aachi kahani shuru karte hain. I'm going to mix Hindi and English as you requested. It's a folk tale from Tamil Nadu. So once there was a man called Ponan. Okay, now Ponan was a really kind-hearted man. Wo bahut acha aur saral swabhav ka insaan tha. पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी. लोग उसका फायदा उठाते थे उसके सरल स्वभाव का. तो कभी भी वो किसी को भी अपने घर खाना खिलाने ले आता था. इस बात से उसकी पत्नी बहुत परेशान थी. शी वॉज एक्सट्रीमली वरीड. शी इज लाइक यू नो इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक फीडिंग पीपल बट यू सी वी डोंट हैव इनफ आवर सेल्व्स एंड इफ यू जस्ट कीप कॉलिंग पीपल लाइक दैट वी वुडंट हैव इनफ फूड फॉर आवर फैमिली. So this time, when Ponan was going to work, she said, "Please, आज किसी को मत बुलाना घर. आज चावल भी नहीं है." So Ponan went out, and the wife went around doing her work. Now, in the afternoon, when she'd done everything and she was almost tired with all the housework and wanted to relax and sat, she saw from afar. टू मैन वो वॉकिंग टूवर्ड्स द हट. तो दो आदमी चलकर उसकी हट की तरफ आ रहे थे. अब तो पूनन की बीवी को बहुत गुस्सा आ गया. उसने सोचा 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 क्या करूं. उसने कुछ प्लान किया. तो उसने अपने घर में से जो मोटर और पेसल होता है जिसपे हम चावल पीसते हैं या फिर हम आटा भी पीसते हैं, चक्की की तरह दिखता है, ठीक है, बड़ा सा होता है कुछ घरों में जिसपे हम डोसा बैटर के लिए भी पीसते हैं, तो वो उसने बड़ा सा अपने घर के बीच में रख दिया. शी केप्ट इट इन द मिडल ऑफ द हाउस एंड शी पुट अ लिटिल सैफरन, थोड़ा सा केसर लगाया और फिर एक फूलों की माला लगा के उसको बीच में रख दिया, ठीक है. सो यू नो व्हेन द मेन केम इन एंड they were really hungry and they said आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा. तो वो घर के अंदर घुसे एंड उन्होंने बीच में रखा हुआ मोटर एंड पेसल देखा. सिलबट्टा बोल सकते हैं हम उसको. तो वो बोलते हैं कि ये तो आपने क्यों रखा है. तो उनकी बीवी ने कहा मेरे हस्बैंड ने आपको बताया नहीं, एक्चुअली हम इसकी पूजा करते हैं. मेरे लिए भी थोड़ा सा वियर्ड है पर पता नहीं क्यों. तो वो थोड़े हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि क्यों इसकी पूजा क्यों करते हैं. सो पूनन ने कहा, पूनन की पत्नी ने कहा कि हाँ हम आपको नहीं पता हमारे घर में जो भी आता है हम मेरा पति उसको एक पटकी देता है और मारता है क्योंकि ये जो मोटर एंड पेसल है ना इसको हम खून चढ़ाते हैं. वी फीड हिम ब्लड. Now they were shocked and they almost ran for their life because they were scared. तो तभी पूनन घर में घुस रहा था. उसने बोला अरे ये लोग भाग क्यों रहे हैं, तुमने ऐसा क्या कह दिया. नहीं वो तो बस बट्टा मोटर का पैसा लेने आए थे और मैंने मना कर दिया. तो उसने फौरन वो उठाया और वो दौड़ के भागा कि अरे 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 ले लो. But those two men ran away for their life, and since that day, this news spread, and Ponan did not have any unwelcome guests at their home. Although the wife never told what really happened, but she was happy by not having any unwelcome guests. So this was a folk tale. ये एक folk tale थी Tamil Nadu से. मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो मुझे बताइए और मैं और भी ढेर सारी मजेदार कहानियां लेकर आपके लिए लेकर आऊंगी अनुवाद स्टोरी टेलर के चैनल पर. तब तक पता है ना क्या करना है. मम्मी पापा की बात सुननी है. स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. बाय.